हिमाचल में जगह जगह सुक्खू सरकार का बीजेपी विरोध कर रही है। आपको बता दें कि अलग अलग जगहों पर सुक्खू सरकार को लेकर विरोध किया जा रहा है। मंडी, कुल्लू, बिलासपुर की आप तीन तस्वीरें देख रहे हैं। पहली जो तस्वीर है मंडी जिले की है। प्रदेश सरकार की ओर से डिनोटिफाइड किए जा रहे संस्थानों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की चिंगारी यहाँ पर देखने को मिली। अब मंडी जिले के सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र भी ये पहुंच गई है। इसे लेकर सुंदरनगर मंडल भाजपा की ओर से विधायक एवं प्रदेश बीजेपी महामंत्री राकेश जम्वाल के नेतृत्व में शुक्रवार को एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया। इससे पूर्व एसडीएम परिसर में प्रदेश सरकार के खिलाफ जहां एक तरफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राकेश जम्वाल के नेतृत्व में जोरदार नारेबाजी करते हुए अपना रोष प्रकट किया, वहीं दूसरी तरफ वर्तमान सरकार के इस तरह से बदले बदले रवैये के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। दूसरी तस्वीर आप कुल्लू की देख रहे हैं। कुल्लू में भी बीजेपी मंडल की ओर से डीसी आशुतोष गर्ग को ज्ञापन सौंपा जाएगा। ढालपुर में पत्रकारों को संबोधित करते हुए बीजेपी के विधानसभा चुनावों में प्रत्याशी रहे नेता नरोत्तम ठाकुर का कहना है कि शनिवार को डीसी कुल्लू को ज्ञापन सौंपा जाएगा और सरकार को भी चेतावनी दी जाएगी कि अगर उन्होंने इस तरह के जनविरोधी फैसले लेने बंद नहीं किए तो आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में बीजेपी सड़क पर उतरेगी और प्रदर्शन करती नजर आएगी। बिलासपुर की तस्वीर आप देख सकते हैं। तीसरी तस्वीर जिले की भराड़ी तहसील कपाहड़ा सब डिवीजन लोक निर्माण भगेड़ लोक निर्माण सब डिवीजन की अधिसूचना निरस्त करने के बाद बीजेपी मंडल घुमारवी और पूर्व मंत्री राजेंद्र गर्ग के नेतृत्व में एसडीएम कार्यालय घुमारवी में एक धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें घुमारवी विधानसभा में जो विरोधाभास की राजनीति की जा रही है वो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजेंद्र गर्ग ने आगे कहा कि जब तहसील कार्यालय भराड़ी में कार्य सुचारू रूप से चल पड़ा था तो उसको निरस्त करना समझ से बाहर है। सरकार इस विषय पर दोबारा संज्ञान ले सकती है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, चुने हुए प्रतिनिधियों ने और जनता ने मिलकर आज जिस प्रकार से यहाँ पर प्रदर्शन भी किया है और सुंदरनगर एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल महोदय को ज्ञापन भी दिया है, क्योंकि सुंदरनगर के भी अनेकों संस्थान उनको रद्द कर दिया गया। दुर्गम क्षेत्रों में जहां पर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए प्राइमरी हेल्थ सेंटर बंदली में, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पौड़ा कोठी में खोले थे, उनको डीनोटिफाई कर दिया गया। उसके साथ सुंदरनगर शहर में हमारा जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है उसका दर्जा बढ़ाकर 10 बेडेड भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार ने किया था, उसको भी डीनोटिफाई कर दिया गया, जिसमें एक महीने की ओपीडी अभी 900 पेशेंट जो है एक महीने में वहां पर आ रहे थे। सरकार के जो एमएलए चुने गए हैं उन्होंने कमेटियां बिठाई है ये पता करने के लिए कि बजट का प्रावधान था या नहीं था, उसके लिए कमेटियां गठित की है। अभी तक किसी एमएलए या शपथ भी नहीं हुई है, तो पहले से ही उन्होंने कमेटियां बिठा दी। अभी तो केवल उनको सर्टिफिकेट मिला है, जब शपथ लेंगे, कैबिनेट का गठन होगा, कैबिनेट में निर्णय होंगे, तब वो एक प्रकार से संविधानिक एक प्रोसीजरल काम माना जाएगा। अभी ना कैबिनेट बनी है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री हैं, ना उनकी भी बैठक नहीं है, तब भी मानेगी कैबिनेट की बैठक हुई है। तो अभी मंत्रिमंडल नहीं बना है, अभी 15-20 दिन होने को है, अभी सरकार नहीं बनी है। और मुझे लगता है कि शुरू में ही अगर गवर्नमेंट ऐसे बदले की भावना से काम करेगी तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा समय तक ये चल पाए, अपने ही बोझ के तले दब जाएंगे। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने जो प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनहित के जो निर्णय लिए थे, जिसमें अनेक प्रकार के संस्थान कार्यालय